नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। शहीद कुलदीप सिंह के अंतिम सफर में पत्नी ने पति की तस्वीर को सीने से लगा कर रखा, बहन ने हाथों में थामा तिरंगा। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में झुंझुनू के स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह का आज अंतिम संस्कार पैतृक गाँव में होगा। आपको बता दें, शहीद कुलदीप सिंह का पार्थिव शरीर झुंझुनू हवाई पट्टे से उनके गांव के लिए रवाना हो गया है। उनके साथ उनकी बहन, जीजा और पत्नी भी हैं। हवाई पट्टी पर पत्नी शहीद कुलदीप की तस्वीर सीने से लगाए हुए थी, जबकि बहन ने हाथों में तिरंगे थामे हुए रखा था। झुंझुनू हवाई पट्टे पर कलेक्टर समेत सभी अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। यहाँ सड़क मार्ग से उनका पार्थिव देह को गाँव घरडाना खुर्द ले जाया जा रहा है। यहाँ सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। रास्ते में भी श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। इसके साथ ही गांव के युवाओं ने भी तिरंगा रैली निकाला। झुंझुनू हवाई पट्टी पर उनकी बहन और पत्नी दोनों साथ में मौजूद थे। पत्नी ने कुलदीप की तस्वीर तो बहन ने तिरंगा थामे हुए रखा था। हवाई पट्टी पर शहीद कुलदीप सिंह का पार्थिव शरीर पहुँचने पर उन्हें सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। दिल्ली पालम एयरबेस से झुंझुनू पहुंचा शहीद कुलदीप सिंह का पार्थिव शरीर। कुलदीप के पार्थिव शरीर को झुंझुनू से पैतृक गांव में लाया जाएगा। इसके लिए सेना के ट्रक को फूलों से सजाया गया है। गांव में सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसको लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। पैतृक गांव घरडाना खुर्द में उनको अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए हैं। दूर दराज से सभी लोग कुलदीप सिंह की पार्थिव देह के अंतिम दर्शन करने उनके गांव पहुंचे। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद।